मुल्तान की सफाई के बुलंदोबाद दावे, किससे कहानियों की बातें। हमला सफाई के गायब रहने की शिकायत मामूल, मुल्तान बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी खराब मशीनरी फाल करने में नाकाम। डेप्यूटी कमिश्नर सफाई की नाकिस सूरत हाल पर बरहम। MWMC के CEO की तब्दीली के लिए चीफ सेक्रेटरी को मरासा, थर्ड पार्टी के जरिए हमला सफाई को बुलाने की हिदायत। कदीम शहर मुल्तान के सदियों पुरानी कब्रिस्तान की अब तक सूरत हाल 112 में से सिर्फ 43 की हदबंदी हो सकी। 51 चार दीवारी से महरूम 8 पर कब्जा माफिया करार। कमिश्नर इफ्तार ने सहू का कब्जा माफिया के खिलाफ शिकंजा सख्त, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को फहरिस्त तैयार करने की हिदायत। सालिम को अब इंसाफ के लिए लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के केसेज मुल्तान में ही हल होंगे। केसेस की सुनवाई के लिए मुल्तान में अदालत कायम, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के अहकाम पर नोटिफिकेशन जारी। जनूबी पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा, निश्तर अस्पताल में जेरे इलाज 2 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 37 मरीज डेंगू का शिकार, हारूनाबाद CHQ में डेंगू का 1 मरीज दाखिल। सुराग तले अंधेरा, बहावलपुर के सरकारी इदारे ही डेंगू के जायशगाह बनने लगे। PHO की गफलत, पार्कों में जमा पानी ना निकाला जा सका। शाहिद्रा पार्क में पड़े पुराने टायर्स, फवारे और नलों के होज पानी से भरे रहने लगे। डेरा गाजी खान में डेंगू की रोकथाम के लिए आला सतही इजलास, CC और CO हेल्थ ने मेंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू अहमद अली कम्बो को ब्रीफिंग दी। उधर CO हेल्थ DG खान खलील अहमद सखानी का डेंगू वार्ड का दौरा, मरीजों की सूरत हाल का जायजा लिया। बच्चों की तरबियत के बायस आला तालीम से महरूम मां का ख्वाब हुआ पूरा। रहीम यार खान में सादतमंद बेटा बना मां का मुअल्लिम। वालिदा को दिन रात पढ़ाकर मास्टर की डिग्री दिलवाई। मां को इल्म की दौलत से मालामाल करने वाले बेटे पर फख्र, मजीद तालीम हासिल करने की ख्वाहिश भी जाहिर करती। मैंने उसको ख्वाहिश का इजहार किया हुआ था पहले भी एक दो दफ़ा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे। इसने एडमिशन भिजवा दिया मेरा और उसके बाद जो है बस पढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया। कहीं औलाद फरमाबरदार तो कहीं नाफरमान, माँ की कुर्बानियाँ याद आई ना ही प्यार। बुढ़ापे का सहारा, 3 बेटों ने ज़ईफ़ुल उम्र माँ को बेयारो मददगार छोड़ दिया। मुल्तान कोर्ट ने 80 साल खातून के हक में फैसला सुना दिया। अदालत का 3 बेटों को महाना 15,000 रुपए खर्चा देने का हुक्म। बहावलपुर आरिफ टाउन में शहरी पर दिन दिहाड़े कातिलाना हमला, हमलावर की फायरिंग से कार सवार जख्मी। सिक्योरिटी कैमरे ने फायरिंग के मनाजिर महफूज कर लिए, मुल्जिमान की तलाश जारी। डेरा गाजी खान में डॉल्फिन अहलकार अदील की मुबैना खुदकुशी का मामला, डॉल्फिन अहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में DPO सरफराज समेत पुलिस अहलकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अहमदपुर में कॉटन फैक्ट्री के मालिक की इजारादारी, अदालती अहकाम भी हवा में उड़ा दिए। हाथ कटने वालों मजदूर की माली इमदाद का देने से इनकार कर दिया। अदालत ने मुतासर शख्स को 2,40,000 देने का हुक्म दिया था। भाकर में 15 रोज काबले अगवा होने वाली 2 खातून बाजियाब, पुलिस ने खातून को मुल्तान से बाजियाब करवा दिया। 3 मुल्जमान गिरफ्तार करके बकिया की तलाश जारी। लड़की के अहले खाना ने पसंद की शादी पर लड़के के भाभी और भतीजी को अगवा किया था। डॉक्टर की जरूरत हो तो बुला लेता हूँ, वरना अकेला ही काफी हूँ। हर किस्म का मरीज भी संभाल लेता हूँ। दुनियापुर 231 WBRHC के होनहार नायब कासिद के कारनामे। डॉक्टर हेना नर्सेस नायब कासिद ही मरीजों का इलाज करने लगा। मरीजों का अल्लाह ही हाफिज। CEO हेल्थ डॉक्टर अकरम चौधरी के अमले के खिलाफ एक्शन लेने की यकीन दहानी। सर डॉक्टर की कोई ऐसी बात है, इशू कोई ऐसा है कि डॉक्टर ने लापरवाही की है तो उसको भी पूछता हूँ, कल ही इंक्वायरी करवाता हूँ किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे से। विहाड़ी में हर्निया के मरीजों को मिलेगा बेहतर तरीका इलाज। CHQ विहाड़ी में लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। उधर रोही बना बहावलपुर की आवाम की आवाज। विक्टोरिया अस्पताल में बिलाखिर नई एक्सरे मशीन इंस्टॉल कर दी गई। डॉक्टर्स और मरीजों का रोही को इजहार तशक्कुर। अला कारकर्दगी के हामिले सातजा की होगी हौसला अफजाई। बहावलपुर के बेहतरीन सातजा को शॉर्टलिस्ट करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। मुंतखब असातजा को स्टार टीचर अवार्ड से नवाजा जाएगा। सराइकी खत्ते में मौसम बदलने लगा। मुल्तान डेरा गाजी खान समेत मुतादिद इलाकों में बारिश,
उधर मुल्तान में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब आ गए, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुल्तान में ग्रास मंडी रेलवे फाटक हादसे का मुंतजर, फाटक मुमकिनों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगा, ट्रैफिक जैम रहना मामूल, ट्रैफिक वार्डन गायब, स्कूल के बच्चे भी फाटक पर रिक्शे पर गुजरते हुए खौफ का शिकार। मेरा नाम क्या है? तू छफी जा रहा है? फिर भाई तेरा नाम क्या है? तू छफी जा रहा है? हां क्या तेरा नाम क्या है? बहावलपुर में मेपको शाहदरा सब डिवीजन करप्शन का गढ़ बन गई, बिल की अदम अदाही पर उतारा जाने वाला मीटर अदाही के बाद ही ना लगाया जा सका। मीटर मांगने पर मेपको अहलकार ने हजार रुपए रिश्वत मांग ली, शहरी फहीम ने पैसे मांगने की वीडियो बनाना चाही तो मेपको अहलकार आपे से बाहर हो गया, धक्के देकर बाहर निकाल दिया, मीटर ना देने की धमकियां दी। मियांवाली के डीएचक्यू अस्पताल की ओपीडी 1.5 साल में 3 बार तब्दील, टेस्टों के लिए नई पुरानी बिल्डिंग में बार बार चक्कर लगाने से शहरी परेशान, बुजुर्ग और तशवीशनाक हालत में मुब्तला मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। एक मरीज तीन जगह पे जा रहा है, परेशानी की हद हो गई है, कभी कहते हैं वहां बैठे हैं, कभी नई में कभी पुरानी में, हर बात पे अपनी मर्जी कर रहे हैं। समासट्टा रेलवे स्कूल बहाल होने लगा, अदालत का रेलवे हुकाम को स्कूल का दौरा करने की हिदायत, वालिदैन के रद पर हाईकोर्ट ने स्कूल खोलने का हुक्म दिया था। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, 183 मुलाजमीन नौकरी पर बहाल, मुलाजमीन ने रोही का कवरेज करने पर शुक्रिया अदा किया। हम रोही चैनल का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपने फार्म से हमारी आवाज ऊपर तक पहुँचाई। मुल्तान में पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन की जनरल बॉडी का सालाना इजलास, पीसीपीए के अकाउंट में 38 लाख रुपए मौजूद हैं, सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश, साल 2019 और 2020 के लिए एग्जेक्टिव बॉडी और ऑफिस अहदेदारों ने हक ले लिया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी इन एक्शन, लैंड सब डिवीजन मुस्लिम टाउन का ऑफिस मिसमार कर दिया गया। एफबीआर ने कॉटन सेल्स की वैल्यू पर 10% टैक्स लगा दिया, 87 फैक्ट्री मालिकान को नोटिस जारी, डेप्यूटी कमिश्नर प्याज अहमद कहते हैं जो कॉटन के सेल्स पर आयद करदा 10% टैक्स अदा नहीं करेगा वो जुर्माना भरेगा। सेहतमंद मुआशरे के कायम के लिए महकमे सेहत की कार्रवाइयां जारी, दुनियापुर में हेपेटाइटिस कंट्रोल ऑर्डिनेंस के तहत 15 ब्यूटी पार्लर सील, मालिकान की मुदाखलत पर पुलिस भी तलब की गई। कमिश्नर बहावलपुर से यूनिसेफ पंजाब के चीफ फील्ड ऑफिसर वल्बर्ट निगाह भी की मुलाकात, सेहत और शोबा तालीम पर तबादला ख्याल किया गया, कमिश्नर ने वक्त को तरक्याती कामों बारे ब्रीफिंग दी। सरकारी हाउसिंग कॉलोनी में कमर्शियल इलाकों की निशानदही की जाए, डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान का सरकारी हाउसिंग कॉलोनी का सर्वे करने का हुक्म, मुतल्लिका हुकाम को सर्वे रिपोर्ट 14 दिन में पेश करने की हिदायत। कमिश्नर डीजी खान मुदस्सिर रियाज मलिक का अस्पताल के नए ब्लॉक का दौरा, गार्नियर कार्डियोलॉजी वार्ड की सफाई, इंतजाम, डॉक्टर्स और नर्सेज की ड्यूटी चेक की, कमिश्नर ने अस्पताल के जेनिटोरियल स्टाफ की नई यूनिफॉर्म जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए, कमिश्नर का मुख्तलिफ कमरों में मक्खियों की बहतात पर इजहार बरहमी। स्कूलों की मॉनिटरिंग से मयार तालीम बेहतर होगा, डेप्यूटी कमिश्नर डेरा गाजी खान की जिला स्तर इजलास, एमएस और महकमे तालीम बेहतर कोऑर्डिनेशन रखने की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए खुशखबरी, मुसाफिरों को मिलेंगी अब बेहतर सहूलियात, कई साल बाद जनरल बस स्टैंड की तामीर का काम शुरू कर दिया गया, डेप्यूटी कमिश्नर एहतजाज मंदर की जनरल बस स्टैंड में बेहतर बुनियादी सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी। भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर को जहांगीर तरीन बनना महंगा पड़ गया, दोस्त की मदद से एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ को फोन, जहांगीर तरीन बनकर नर्स का तबादला भावलपुर करने की सिफारिश, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ की शिकायत पर लोधा पुलिस की कार्रवाई, 2 मुजरिमान को गिरफ्तार करके टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। डीपीओ डेरा गाजी खान आसिफ नजीर की अपने ऑफिस में खुली कचहरी, साहिन के मसाल सुने और उनको हल करने के अहकाम जारी कर दिए,
کہتے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ میلسی میں بہاڑی پولیس کا جرائم کے انسداد اور فرینڈلی کمیونٹی پولیسنگ کے لیے مثالی قدم۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاڑی ثاقب سلطان المحمود نے ہیدر فورس تشکیل دے دی۔ ضلع بھر میں پولیس کے 75، میلسی میں 23 جوانوں کا دستہ جدید سہولیات اور اسلحے سے لیس 10 موٹر سائیکلوں پر گشت کرے گا۔ جتوئی میں قانون کے رکھوالوں کی بے حسی، 5 دن تک مبینہ زیادتی کا شکار ہونے والی لڑکی کا میڈیکل کروایا اور نہ ہی مقدمہ درج کیا۔ والدین کا زمیندار پر 5 روز تک بیٹی کو ڈیرے پر محفوظ رکھنے کا الزام، پنچایتی فیصلے پر بیٹی کو رہائی ملی، متاثرین کا اعلی حکام سے حصول انصاف کا مطالبہ۔ بہاولپور روہی چولستان میں ٹڈی دل کا نیا حملہ۔ روہی میں ٹڈی دل کے بڑے سوام پہنچ گئے۔ فیڈرل پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے جہاز سے 500 ہیکٹر رقبے پر سپرے کیا گیا۔ اور شہر اولیا میں طنز و مزاح سے بھرپور ڈرامے، مٹھیاں شرارتیں کی دھوم۔ زندہ دلا میں لاہور کے معروف آرٹسٹ ظفری خان کی دھواں دھار پرفارمنس، موسیقی کی دھن پر ڈانس کے تڑکے پر فنکاروں نے خوب داستانیں کی۔